नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीत लिया है और वर्ल्ड कप जीतने के बाद जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं कि आखिर एकदम अचानक क्यों किया गया, इसके क्या फायदे हैं, क्या वास्तव में इन दोनों ने सही वक्त पर रिटायरमेंट लिया है, क्या टीम इंडिया को इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इस तरीके की चर्चाएं इस वक्त चल रही हैं। क्योंकि विराट कोहली तो अभी रिटायरमेंट की तो विराट कोहली की खबरें नहीं थी, रोहित शर्मा को लेकर तो चलो चल रहा थी बात कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट ले सकते हैं, लेकिन विराट कोहली की तो अभी फिटनेस भी अच्छी थी, खेल भी अच्छे रहे थे, रन भी लगातार बनाए रहे थे, हालांकि इस विश्व कप में थोड़ा बहुत जरूर कम नजर आया, लेकिन विराट कोहली की फॉर्म अभी ठीक थी, आईपीएल में रन बनाकर आए थे। तो विराट कोहली ने संन्यास क्यों लिया, विराट कोहली के संन्यास लेने के पीछे की असली वजह क्या थी और क्यों क्रिकेट फैंस विराट कोहली को सलाम कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल विराट कोहली ने गौतम गंभीर की एक टेंशन को खत्म कर दिया रिटायरमेंट लेते ही। विराट कोहली ने बहुत आगे की सोची है, विराट कोहली ने अपने देश का फायदा सोचा है, विराट कोहली ने अपनी टीम का फायदा सोचा है, विराट कोहली ने नौजवान खिलाड़ियों का फायदा सोचा है, विराट कोहली ने गौतम गंभीर का फायदा सोचा है। जाहिर तौर पर विराट कोहली के इस फैसले के लिए इसीलिए लोग सलाम कर रहे हैं, देश सलाम कर रहा है, तारीफ हो रही है, क्योंकि जो कोई नहीं सोचता वो विराट कोहली ने सोचा है। जब करियर पीक पर है, बढ़िया करियर चल रहा है, कहा जा रहा था कि अगला T20 विश्व कप विराट कोहली खेल सकते हैं, उस वक्त एकदम अचानक रिटायरमेंट लेकर विराट कोहली ने हर किसी का दिल जीत लिया। अब पीछे की वजह समझिएगा कि गंभीर को कैसे फायदा पहुंचाया विराट कोहली ने। दरअसल आपको पता है कि गौतम गंभीर ने हाल ही में एक बयान दिया था, गंभीर ने कहा था कि वो एक नौजवान टीम बनाना चाहते हैं आने वाले वक्त के लिए, उसमें सीनियर खिलाड़ियों को T20 में जगह नहीं दी जाएगी, नौजवान खिलाड़ियों को जगह दी जाएगी। अब गंभीर के इस बयान को अगर समझा जाए, गौर से देखा जाए, तो साफ तौर पर पता चलता है कि भाई साहब सीनियर खिलाड़ियों को T20 में खासतौर पर मौका नहीं मिलेगा। ऐसे में विराट कोहली इस बात को भली भांति भाप चुके थे कि गंभीर जो है वो नौजवान टीम बनाएंगे, नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, नए खिलाड़ियों को अगले विश्व कप के लिए तैयार करेंगे। ऐसे में अगर विराट कोहली को रिटायरमेंट ना लेते और विराट कोहली को टीम इंडिया में जगह ना मिलती T20 में, तो क्रिकेट फैंस आलोचना करते गंभीर की, क्रिकेट फैंस गंभीर पर सवाल खड़े करते कि भाई साहब विराट कोहली के होते हुए आपने विराट कोहली को मौका क्यों नहीं दिया। तो ऐसे में गंभीर को फिर नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने में परेशानी आती, गंभीर फिर नौजवान खिलाड़ियों को जो अपने पसंद के खिलाड़ी थे या जिनको मौका मिलना चाहिए था उनको गंभीर मौका नहीं दे पाते। इसीलिए इसी बात को समझते हुए, इसी बात को देखते हुए गौतम गंभीर को परेशानी को खत्म करते हुए विराट कोहली ने संन्यास लिया है। अब क्या है, अब गौतम गंभीर फ्री होकर फैसले ले सकते हैं, अपने पसंद के खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं, अपने पसंद के खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं। अब गंभीर के ऊपर किसी सीनियर खिलाड़ी को खिलाने का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, ये चीज समझिएगा। अब गंभीर के ऊपर किसी भी सीनियर खिलाड़ी को T20 में खिलाने का प्रेशर नहीं होगा, आप गंभीर अपने पसंद की टीम को तैयार कर सकते हैं अगले T20 विश्व कप के लिए। तो जाहिर तौर पर विराट कोहली ने देखे, भारतीय क्रिकेट में क्या होता रहा है, भारतीय क्रिकेट में ये होता रहा है कि खिलाड़ी अपने आप को ढोते रहते हैं, खिलाड़ी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, लोग बोलते रहते हैं कि भैया रिटायरमेंट ले लो, लेकिन खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते नहीं हैं, खिलाड़ी अपने आप को आगे और ढोते रहते हैं, जिसका टीम इंडिया को भी नुकसान होता है, भारतीय क्रिकेट फैंस भी उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली ने अपने आप को सही वक्त पर T20 से अलग कर दिया, सही वक्त पर, इसे बोलते हैं महान खिलाड़ी। आपका विराट कोहली के इस फैसले पर क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।